आप यहाँ किस लिए आए? मैं आया अभी, मुझे जानकारी मिली वहाँ बालू मंडी है चांदपुर में, लड़का लालू यादव नाम से, उसको गोली मिली। उसी को जैसे ही मुझे सूचना मिली, ये लड़का मड़ियाओं का रहने वाला है, जैसे ही मुझे सूचना मिली, चुनाव में मेरे साथ था लड़का, और सूचना जैसे मिली मैं उसी लिए भाग के मैं तुरंत यहाँ आया और उसको रीफर करा रहा हूँ BHU के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए, उसका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके, मैं इसलिए यहाँ पर। घटना के पीछे कारण क्या, कुछ जानकारी है? अब घटना के पीछे एक तरफ सरकार कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, लेकिन इसका फार्मूला ये है कि देखिए सीधा साधा बच्चा, उसके ऊपर कोई न मुकदमा न कुछ, और वो अपनी बालू की दुकान करके वहाँ बैठा था उस दिन दहाड़े, वो भी मुश्किल से 11:30-12 बजे की यह घटना है, दिन दहाड़े अपराधी इस हिसाब से गोली मार रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, इसका ये फार्मूला आप लोग खुद ही देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। नहीं नहीं, ठेकेदारी के संबंधित है, या कुछ जो अपनी दुकान किया हो तो उसका कौन ठेकेदारी से लेना देना, मतलब ये तो जो भी मान लीजिए पॉलिटिकल मान लीजिए कि ये मामला आया, इसमें जिस हिसाब से इसको गोली मारी गई, मुझे तो यही लग रहा है। नहीं, आपका चुनाव में आपके साथ था, कहीं उस एंगल को तो नहीं जोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ इसका था नहीं, जो जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब चुनाव चल रहा था तो मेरे साथ चल रहा था, प्रचार जब हम लोग कर रहे थे तो ऐसा कुछ मैं नहीं जानता कि पॉलिटिकल ऐसा कुछ, जैसे मेरे हिसाब से जोड़ा जो मेरे उससे जोड़ के ऐसा नहीं हो सकता। इससे ठीक, धन्यवाद। श्री अमर बहादुर यादव जो कि श्री मनीष यादव के यहाँ चौकीदार हैं, ये मनीष यादव रहते हैं चांदपुर बालू मंडी पे थाना क्षेत्र लाइन बाजार में, उनसे बात की गई तो उन्होंने, उनके द्वारा बताया गया कि लालू यादव और मनीष यादव आपस में बात कर रहे थे, तभी तीन सवार बदमाश जिसमें कि एक का नाम रजनीश यादव है, एक का नाम जॉनसन यादव, एक का नाम देवा यादव है, ये मड़ियाहूं क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये अचानक आके लालू यादव पर फायर की जिससे कि लालू यादव घायल हो गए। श्री लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है, और इसमें तहरीर लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अभी जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है, इसमें आपस में इनमें रंजिश थी, इसी बात पे लेके गोली चली है, गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।